बड़ी खबर आज सीएम धामी देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन देखने के लिए शिरकत करेंगे और देखिए सीएम धामी शुभारंभ करते हुए भी नजर आएंगे। इस दौरान वो फोटो गैलरी समेत अलग अलग स्टॉलों को भी देखते हुए नजर आएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल परिसर में स्टार्टअप हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल एवं एग्रो प्रोडक्ट के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोक गायकों की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। तो युवा महोत्सव में क्या रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट साथ ही साथ 25 फूड फेस्टिवल के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। लोक गायक भी मनमोहक प्रस्तुति इस दौरान देते हुए नजर आएंगे। महोत्सव में हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल की स्टॉल लगेंगी और सीएम धामी शिरकत करेंगे जिसका शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। तो देखिए आज सीएम धामी देहरादून पहुंचेंगे जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां की गई है जहां सीएम धामी पहुंचकर शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान वो फोटो गैलरी के साथ साथ अलग अलग स्टॉल पर भी पहुंचेंगे। वहां पर भी देखिए जानकारी लेंगे, स्टॉल्स के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ इसी पूरे आयोजन को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि खेल परिसर में स्टार्टअप हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे और इन स्टॉल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम जानकारी और तमाम जागरूकता दी जाएगी, जिसके अलावा लोक गायकों की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब तमाम तैयारियां की जा रही है, युवाओं के साथ परिचर्चा भी की जाएगी, युवाओं से जुड़ने का प्रयास यहां पर किया जाएगा क्योंकि युवा महोत्सव है। तो ऐसे में युवाओं को कनेक्ट करने का पीछे यहां पर कहीं ना कहीं प्रयास रहेगा, युवाओं को साधने का लक्ष्य यहां पर रहेगा। सीएम धामी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और निरीक्षण के दौरान तमाम जो स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल और अन्य कहीं ना कहीं जो परिक्षेत्र है वहां से स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो 150 स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं। महोत्सव में लोक गायक भी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे और प्रस्तुति कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं युवाओं में इस प्रस्तुतियों को भी लेकर क्रेज देखने को मिलेगा। कल से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान